अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे हैंड एंड फीट केयर के बारे में। जैसे कि अभी मौसम सरमा चल रहा था, अभी बस इख्तिताम होने को है, और उस वजह से हमारी हैंड एंड फीट की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुकी होती है, और स्पेशली गर्ल्स की। तो उसको नॉर्मल करने के लिए हम लोग क्या गलती करती हैं कि इस तरह की क्रीम्स इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं। ठीक हो गया, ये केन ब्यूटी है या के ब्यूटी है, जो भी है, और साथ में क्रिज्मा। केन ब्यूटी और क्रिज्मा ये आपने कभी भी अपने हैंड एंड फीट के लिए यूज़ नहीं करनी। इनके रिज़ल्ट तो बहुत आउट क्लास होते हैं, अमेजिंग होते हैं, 2 या 3 दिन में ही रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब हम इनको छोड़ते हैं ना, तो हमारी स्किन इतनी ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है ना, उसको नॉर्मल करने के लिए फिर हमें बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, और उसका फिर फ़ायदा भी कोई नहीं है। हम क्यों ना ऐसे इसका एक सेकंड में आपको इसको अंदर से भी दिखाते हैं। देखें, ये मैंने अपने कज़न से ली है, उसने देखे इतनी यूज़ भी कर चुकी है वो, और अब वो नहीं कर रही क्योंकि मैंने उसको मना कर दिया था। ये देखे बाहर से भी, ये जब हम बाय करते हैं ना, ये बिल्कुल क्रीमी शे इसका कलर जो होता है ना, बिल्कुल क्रीमी सा होता है। अब देखें इसकी किस तरह की, अब वो उसको वो 1 वीक से नहीं यूज़ करी, ये बड़े बड़े इसकी जेल से बाहर आ रही है। ये देखें, पता नहीं इसमें क्या यूज़ किया होता है, स्टीरॉयड यूज़ किए होते हैं क्या, जिसकी वजह से हमारी बाल में स्किन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। तो इसलिए इसको कभी भी हमें यूज़ नहीं करना, हमें हमेशा वो चीज़ यूज़ करनी चाहिए जो हमारी स्किन के लिए अच्छी हो। ठीक है, ये मैं आपको पता है पेड प्रमोशन तो कर नहीं रही, बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। ये बायो एक्टिव स्किन केयर वालों का चारकोल बॉडी स्क्रब है, फेस एंड बॉडी, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि एक्सफोलिएटिंग स्क्रब है ये, पोर प्योरीफाइंग और एक्सफोलिएटिंग। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो के शुरू में कि हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, उसकी वजह से हमारी स्किन के ऊपर डेड स्किन सेल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और उनको एक्सफोलिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और उसके लिए हमें कोई अच्छा बॉडी स्क्रब चाहिए होता है। ये चारकोल जैसे कि हमें पता है कि बहुत अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए, तो इस वजह से हमें हमेशा चारकोल बॉडी स्क्रब ज़रूर यूज़ करना चाहिए। स्किन होते हैं ना, वो एक्सफोलिएट होना शुरू हो जाती है, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं। और हमें इसको वीक में 2 से 3 मरतबा यूज़ करना है, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना, क्योंकि और इस हमेशा इसको यूज़ करने के बाद हमें मॉइस्चराइज़ ज़रूर करना है अपनी स्किन को। हाँ, अगर आप ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हो, तो अभी भी अगर कर रहे हो या आगे कंटिन्यू रखनी भी है, इनके साथ आपको आपके लिए ज़रूरी है कि आप इनके साथ अच्छा सा कोई सनस्क्रीन यूज़ करें, जिसके साथ आपकी जो इसकी वजह से आपकी स्किन ऊपर से उतर रही होती है या ख़राब हो रही होती है, तो वो रिपेयर हो सके, आपको उतना नुकसान ना हो। और ये जो चारकोल बॉडी स्क्रब है, इसका कोई मसला नहीं है, आप इसके साथ सनस्क्रीन यूज़ करो ना करो, मतलब मॉइस्चराइज़र तो कंपलसरी है ना, वो तो हमें करने ही होते हैं अपने हैंड एंड फीट के लिए, या फिर हम बॉडी पर भी यूज़ करते हैं, मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी होता है। इसका यूज़ करने का तरीका ये है कि हमें इसको पहले अपने स्किन पे अप्लाई कर लेना है, 2 से 3 मिनट अच्छे से मसाज करनी है। तो उसके बाद इसको फिर जब मसाज हम कर लेंगे, फिर 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देना है। ठीक हो गया, जब हमने इसको छोड़ना है तो ये ड्राई हो जाएगा, तो फिर हमने फिर गीले हाथ से ना दोबारा से रब करना स्टार्ट करना है, तो आप देखोगे कि आपकी स्किन जो है ना, वो जो डेड स्किन सेल्स हैं वो उतरना शुरू हो जाएंगे बॉडी से, तो स्किन से हटना शुरू हो जाएंगे। तो उसके बाद आप 1 से 2 मरतबा के यूज़ के बाद ही आपको इसके रिज़ल्ट्स पता चल जाएंगे, और बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट्स हैं इसके। बजाय आप इस तरह की क्रीम्स यूज़ करके अपनी स्किन को ख़राब करें, कोई ऐसी अच्छी क्रीम यूज़ करें या स्क्रब यूज़ करें जिससे आपको नुकसान भी ना हो और आपके लिए कोई उसके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह भी ना रहे। और ये कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, ये 750 या 770 में मेरा ख्याल से मिल जाता है मार्केट से। तो आज की वीडियो बस इस बारे में थी।